गाइस, व्हाट इज अप? आई होप यू गाइस आर हैविंग एन अमेजिंग डे। सो टुडे हम लोग आज जा रहे हैं, एक मैं सरप्राइज ले रहा हूँ, तो मैं और एक गाड़ी लेने आज जा रहा हूँ। एंड और वो सादा, मतलब जो अभी के नए ज़माने का गाड़ी है वो नहीं है, इट इज़ अ वेरी विंटेज बाइक। और मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के निकाला है ये चीज़, और मैं अभी जा रहा हूँ लेने के लिए। एक्चुअली मैं डैड को सरप्राइज दे रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल में उनका बर्थडे हुआ था, तो उनको सरप्राइज देने में जा रहा हूँ। एक्चुअली उनको लेके ही जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फिर रिस्क नहीं चाहिए, तो मैं उनको सब लेके जा रहा हूँ। अभी उनको बताया नहीं एक्चुअली हम लोग किधर जा रहे हैं क्या नहीं, तो फिर फटाफट चलते हैं। और मैं, मेरा और एक मैकेनिक है, उसको भी लेके जा रहा हूँ फॉर अ सेफर साइड, टू सी एवरीथिंग। बाइक बाय करने के पहले देखना ज़रूरी है कि सब कुछ सही सलामत है कि नहीं, तो उसके लिए उसको भी लेके जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं फिर फटाफट, और ब्लॉग तक बने रही है, और पूरा देखिए कि मैंने कौन सा गाड़ी लिया। यू विल बी शॉक्ड, इतना गारंटी है, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है और बहुत जूनी है, और मेरे को लकीली अच्छे डील में और अच्छे प्राइस में मिल रहे। तो चलते हैं फिर सीधा। मैंने पापा को पिक किया अभी जस्ट, और हम लोग अभी जस्ट जा रहे हैं कि गाड़ी लेने के लिए। एक्चुअली इनको मालूम नहीं है, इनको मैंने अभी जस्ट बताया कि गाड़ी, जब मैकेनिक को लेने जा रहे हैं तब बोला, तो बोला कि कौन सा गाड़ी देखने जा रहे हैं, तो उनका रिएक्शन भी यही था कि कौन सा गाड़ी लेने जा रहे हैं करके। तो इनको अभी तक बताया नहीं है, या लोकान पण नाही सांगितलं। और आंटी कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। एक राइड तो बंद है, अभी मेरा हिमालय भी नहीं किया तूने, मुझे राइड नहीं। हिमालय में बैठे नहीं है दोनों, तो दोनों राइड आपको मिलेगा आज ही में, वो भी। कैसा वाटत है? एकदम छान, मस्त। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। तो हम लोग ने एक्चुअली सरप्राइज दिया था, मतलब पापा ने तभी गाड़ी चलाया था बहुत पहले, जब टेस्ट लिया था तो एक छोटा सा राउंड मारा था, बट बहुत ट्रैफिक था। तो अभी हम लोग रात को थोड़ा चेंज वगैरह करके निकले आइसक्रीम लेने के लिए। एक्चुअली आइसक्रीम खाने का आज पार्टी है, तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। कैसा, बट कैसा है? वेरी नाइस। अभी देखते हैं, थोड़ा चला के मैं पीछे बैठ रहा हूँ, मैंने तो अभी बॉम्बे से चला के लाया, मुझे तो एक्चुअली पीछे बैठने का आदत ही नहीं है। पहले पापा के साथ आगे टाकी पे बैठता था। कैसा लग रहा है इतने सालों के बाद? मेरी तमन्ना पूरी हो गई, बुलेट चलाने की इच्छा बहुत थी, आज मेरे बेटे ने मेरी इच्छा पूरी की। बस यही सुनने का था, पापा को बहुत टाइम से बोल रहे थे बुलेट चाहिए, और वो भी चूना वाला जो आवाज़ करता है वो वाला बुलेट चाहिए था। तो अभी जाके ले लिया, हमने अच्छे प्राइस में मिला है। तो इसका जो आवाज है, इसका जो थंप है, वो अलग ही मजा है, अलग ही मजा है। एक्चुअली जो ओनर था वो भी ज्यादा चला नहीं रहा था बाइक बहुत टाइम से, तो उसके लिए उसको बेचने का था, और हम लोग अच्छे डील में मिल गया लकीली। सच्ची बताओ कैसा लग रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास, टू गुड। अभी यही चलाने वाले है बाइक को, बाकी कोई नहीं, होपफुली चलाएंगे ना। हाँ हाँ, तो सब गाड़ी चलने में वगैरह सब मक्खन है, टकाटक है। वहाँ अप्रूव हो गए, तो अभी आइसक्रीम खाने जा रहे हैं फटाफट, भी लेके जाएंगे। मैंने पूजा वूजा करके हम लोग थोड़ा बाहर गए थे, तो उसकी वजह से ज़्यादा बाइक को दिखा नहीं पाया, और सब लोग बिल्डिंग में भी बहुत लोग आए थे, सब कुछ थे, मतलब गाड़ी देखने के बाद, तो बोले कि अरे आइसक्रीम ले लिया है और घर पे जा रहे हैं। कैसा लग रहा है सो फार? सो फार सो गुड। गुड, वेरी नाइस। मेरे को लग रियली एंजॉयिंग द राइड। एंजॉयिंग द राइड। मेरे को लगता है अभी रोज चलाऊंगा मैं। अभी रोज चलाएंगे। मेरे को लगता है टूर पे जाना पड़ेगा, मेरा हिमालयन और ये। हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे। बट क्या गाड़ी लग रहा है यार, बहुत सही गाड़ी लग रहा है। थोड़ा अभी जूना टाइम में जैसा प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा। हाँ, तो फिर किधर भी जा सकते हैं, नेरल, माथेरान, महाबलेश्वर। तो कैसा लगा राइड? कैसा लगा? मस्त राइड हुआ। हाँ। और मेरी जो तमन्ना थी पहले से ही बुलेट चलाने की, वो आज पूरी हो गई।
और कैसे लग रहा है कि मेरे पास 68 का जावा था, तो आई एम वेरी मच क्रेजी फॉर दिस ओल्ड बाइक, यू नो. अभी ये 1964 की गाड़ी जब मेरे हाथ में आई ना, मुझे पता ही नहीं था कि ये लड़का मेरा मुझे ये इतनी पुरानी विंटेज गाड़ी लेके देगा. ये गाड़ी बहुत ही विंटेज है, ये गाड़ी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, और इतनी अप टू डेट गाड़ी, सब पूरा काम किया हुआ है. अभी मैं एक राउंड मार के आ गया, मुझे ऐसा फील हुआ कि यार रियली मेरे पुराने दिन सच्ची में वापस आ गए. ऐसा हाँ, लगा कि नहीं लगा बिल्कुल लगा. आई लव दिस बाइक, आई रियली लव दिस बाइक. आई एंजॉयड द राइड आल्सो, एंड थैंक यू वेरी मच माय सन. थैंक यू. और बहुत सारे बाइक आएंगे, और इसी बात पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर करो, और कमेंट करो कि आप भी विंटेज लवर हो. आपके पापा को ऐसी बाइक दोगे, अभी वो सबको ऐसा बेटा नहीं मिलता है ना कि सबको ऐसा मिलेगा. वेरी नाइस, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. अभी आइसक्रीम पिघल जाएगा, जल्दी घर पे लेके जाओ. तो ये था 1964 का जूना मॉडल बुलेट, जो को मिला है बहुत ढूंढ के, और पापा को मैंने सरप्राइज दिया था ये बुलेट का. तो ये है बुलेट BLA, इसका नंबर वही लगा, नंबर BLA ब्लैक. और कोई भी एंगल से लग नहीं रहा है कि ये जूना बुलेट है, कोई बोल भी नहीं सकता है इसको. एंड दिस इज़ द ओरिजिनल G2 बुलेट. ये जो इधर बोल्ट आता है, प्रेशर रिलीज बोल्ट, वो है. देन योर ऑयल बोल्ट, अगर आपको G2 लवर हो आप, तो आपको ये सब पता चलेगा, डिटेल्स है, और भी कट रहता है. तो या ये है पूरा बुलेट. अभी चलते हैं, बाय बोलो सबको. बाय बाय. गाड़ी पार्क कर दी, अभी क्या प्यारा साउंड है, आप लोग सुनो. ये है अपना नया बाइक, और ये भी नया बाइक ही है, बट ये 64 का है. तो हैविंग सेड दैट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इन द नेक्स्ट वीक. टिल देन स्टे ट्यून्ड, कुछ अच्छा कुछ राइड प्लान करेंगे. टिल देन बाय, पीस, टेक केयर. कांट गेट ओवर दिस वॉइस, दिस इज जस्ट प्योर ब्यूटी.